Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back my YouTube channel. Okay, let's go. Welcome back my new vlog. I hope आप सब ठीक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. और मैंने जो है तीसरी ईद से ब्लॉग्स नहीं बनाए, वो इस वजह से क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी. ईद की तरफ उतर रही थी. और अभी टाइम देखें आप क्या हो रहा है, 4:30 बज रहे रात के. 4:15 हो रहे हैं और इस टाइम में ब्लॉगिंग कर रही हूँ इस वजह से क्योंकि आज जो मेरी बहन है ना उसके पर्स में से 1 रुपया नहीं निकलता. आज हमने निकलवा के और उससे दावत करवाई अपनी. वो इतनी ज़्यादा बस मत सोच समझें आप कि वो पैसे के पीछे ऐसी है कि वो 1 रुपया अपना नहीं निकालती. अभी मैं गई थी हुसैनाबाद से मैं लेकर आई हूँ चाउमैन और लसानिया वगैरह ब्रोक के. और वह मैं आपको दिखाती हूँ जाके हुसैनाबाद जाके. मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रात का टाइम हो रहा था, मैं मोबाइल फाड़ लेके नहीं गई थी. और अब जाते हैं वहाँ जाके दिखाते हैं आपको कि किसने दावत करी और कौन है. आने से पहले इन लोगों ने मुझे काम बता दिया है, मंगा रही है स्पून. अब मैं लेके जा रही हूँ अंदर स्पून. मैं बैठी भी नहीं और इनको काम याद आ गए यार. ये देखिए इनका मुंह. अभी लज़ानिया पे अब मैं भी बड़ी बनाऊंगी. लज़ानिया पहले खा जाएंगे. लगा दी नजर उन्होंने, मेरे लज़ानिया पे नजर लगा दी. ये चीज जो सारी आ रही है ये बोलो हम नहीं उठे. मैं और सोनू सुबह उठे हुए थे, उठे हुए चले आए. ये क्या हो रहा है मैडम? नजर हमें पता नहीं है इनकी क्या बातें चल रही है पर्सनल. खामोशी से इनके कानों में बातें हो रही है. भाई फाइनली भाभी आ गई है हैदराबाद से और मुझे इतनी याद आ रही थी तुम्हारी. ब्लॉग में देखा होगा, ब्लॉग में है ना. क्या भाई मेरा काम है, मैं खाती हूँ साइड पे बैठ जाती हूँ. भाई फिर से ये बर्तन धोती भी पकड़ी गई. ये बर्तन धो रही है. जब खाएंगे तो धोएंगे भी, ठीक है? जब खाएंगे तो धोएंगे. थोड़ी हक ला गई. या 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 घंटे बहस करके हमें 1000 रुपए निकाले. 1000 रुपए भी मुझसे लेकर निकाले. हाँ बोलिए मुझे उधार ले दो. मुझे भाई मेरे पास माशाल्लाह पैसे रहते हैं बहुत सारे. देखो आप जैसा और पैसे देखो. और वो भी मुझसे उधार लेके. इन्होंने दावत करी. कोई दावत होती है उधार लेके? इंसान अपने पैसों पर करता है. तो फिर मैं दूंगी थोड़ी. दूंगी नहीं, आपने खिलाया सही है. भाई कल मैंने करी थी इसलिए मैंने व्लॉग. कल सीरियल मैंने करी थी, कल दावत नहीं. और क्या था? एक लज़ानिया. तौबा तौबा, बच्चों को खिलाने के लिए लज़ानिया. तो अभी भी एक लज़ानिया. तो अभी भी एक लज़ानिया था. तौबा तौबा, एक लज़ानिया था और चाउमीन थी और बीफ बोटी थी, मलाई बोटी थी. बेटा वो सब वो लेकर आए. अब आप क्या बोलना चाहती हैं? आप कुछ सोच लिया फिर क्या जवाब? जल्दी बोले. मेरे पायों का तो बताया. नाश्ता कर लेना जिसको चाहिए हो यहाँ से ले जाना. भाई आज इन्होंने भी दावत किया. आज इन्होंने दावत करी पायों की जो हमने किसी ने खाए नहीं. हाथ में लगाया, हाथ में लगाया. रात के 5 बजने वाले और यहाँ पर देखें क्या टाइम लग रहा है. यहाँ और नूर की तरफ से चाउमीन और क्या था? लज़ानिया. और मेरी तरफ से क्या था? मेरी तरफ से था लज़ानिया और मेमन के 2 बर्गर. टू लेकर आए हैं बीफ बोटी, चिकन मलाई बोटी टिक्का, मगर हमने नहीं खाया. भाई मेरी ईदी जब हुई थी मैं
असेंबली साहब कब आएंगे लंबा? भाई असेंबली में जाएंगे रूटीन है, हम जो है पूरी रात सो रहे पूरा दिन जाग। अरे पूरा रात उठ रहे हैं, पूरे दिन सो रहे हैं, उल्टा सो के उठ रहे हैं। अब हम सो रहे हैं 4 बजे, सो रहे हैं फिर 4 बजे 10 बजे सो गई थी मैं, फिर सुबह 7-8 बजे। यार आके भाई पेप्सी क्यों नहीं लाए? ये मेरे फेवरेट आइस है वाला। खाना है सब, ये कौन सी है? 7 अप। ओ वाओ, मैंने खुद ही पी लो। यार मैं नहीं पीऊंगी, अच्छी बात नहीं है। दावत बेकार है, दावत अच्छी है। पिकनिक की बातें चल रही हैं, ये लोग प्रोग्राम बना रहे हैं भाई। आपको लेकिन जाएंगे हम तो, आपके साथ जा कौन रहा है, तो अपने उससे जाएंगे। हाँ भाई, इतनी अच्छी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मांगती। मुझे मेरे 500 रुपए चाहिए। तूने नहीं खाया? ये मेरे 500 रुपए लेके बोलिए, मैं 500 रुपए नहीं दूंगी, इतनी बदनामी सही है। झूठ बोलती है, झूठी। आप ही 500 रुपए नहीं लिए इसने मेरे से? नहीं बोला कि नहीं लिए ना। गवाह तो मैं बनी, मैं पकड़ी जाऊंगी अगर इसने नहीं दिए तो। जल्दी क्या बोलूं, ये हमारी मम्मा बस बस क्या बोले। सुबह हमारे यहाँ जो है बादल गरजे, बिजली गिर गई, समझ ली, बिल्डिंग पे आग लग गई। मम्मा हम जी, मैं जल्दी से बाहर गेट खोल के देखो कहीं बिल्डिंग तो नहीं गिर गई। मेन गेट तक भागी, मैं देख कर आऊ गेट तो क्लियर है, कहीं आग नीचे तक तो नहीं आ गई। भाई भाभी हैदराबाद गई हुई थी तो उनको ईदी मिली है, तो उनकी अनबॉक्सिंग हो रही है। ये देखिए आप लोग क्या क्या मिला है, दिखाओ। ये किसने दिया है? आप ही ने, ये सब चीज है। हाँ, और छोड़ो, और ये क्या है दिखाओ। हाँ अच्छी लग रही है। और ये बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे बर्थडे गिफ्ट क्यों भाई? अच्छा हाँ, भाई की बर्थडे गिफ्ट। और इसमें क्या है, खोलो ना इसको, ये दिखाओ क्या है इसके अंदर। फ्रेम, हाँ चलो भाई ये फ्रेम है। और ये भी, हाँ अच्छा लग रहा है। ये इनकी मम्मा ने दिया है, ये इनकी आपी ने दिया है, और परफ्यूम भी आपी ने दिया। चलो भाई, एक मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, इनको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। यही तो सबसे अच्छा सीन है, यही तो सबसे अच्छा सीन। अभी तक बातें चल रही है, कोई बोला फीस्टा चले, कोई बोल रहा है हॉस्टल चले, मैं तो बोल रही हूँ बाथरूम में जाके नहा लो। टाइम देखे 5 बजे की बातें। आप हंस के दिखाना, हम तीनों हंस के दिखा रही है, बस के दिखा जल्दी से। किसकी हंसी प्यारी है ज्यादा, इनकी हंसी तो देख जल्दी, एक दफा यार सब हंस रहे, जल्दी जल्दी। चलो
करो भाई, क्या बोल रहे हो भाई, वीडियो हम नहीं बैठे हैं तो इसलिए मैं इन लोग से पूछना चाह रही हूँ की इन लोग की ईद कैसी हमारी ऐसी गुजरी है की पहले दिन तो हमने ईद मनाई, फिर हम उस पे इब्ने सोए सोए हाँ पहले दिन सोए, सुबह का आपने व्लॉग देखा एक बंदा, फिर हम लोग सो गए, फिर उसके बाद जब हम उठे तो डिनर करने का इब्ने बतूता हम डिनर करके आए तो फिर सो गए। अब आप बताओ, फिर सुबह उठे तो हैदराबाद के हमारे मेहमान आ गए, फिर हम लोगों ने थोड़ी सी ईद मनाई तो फिर हम लोग वापस सो गए। चप्पल देना हमारे ज्यादा है। अब आप बोले हुसैन चप्पल देना। फिर भाई तीसरा दिन लग गया, बात सुने, तीसरे दिन तो हमने ईद ही नहीं मनाई क्योंकि तीसरे दिन हमारे दूसरे मेहमान तायर भाई आए हुए थे ना, तीसरे मेहमान तीसरे दिन हमारे दूसरे मेहमान आ गए। फिर यार ये बहुत बोलती है ना ये बोल, उसके बाद जो है बाप बहुत हो गया, बाप बोले चौथे दिन अच्छी गुजरी, मैंने बोल दिया। चौथे दिन जो है हमारे बाबर भाई आ गए, सही है, ये दूसरे दिन हमारी भाभी चली गई थी, हमसे जुदा हो गई थी दो दिन तक, ये चौथे दिन से दूसरा दिन कहाँ से आ गई और अभी ये आई है वापसी, तो अब हम करते हैं वीडियो। ये चुप नहीं होगी, ये चुप नहीं होगी। अबे ईदी भी तो देखने चाहिए ना, ईदी जो सबने एक दूसरे को बांटी, खत्म भी हो गई, खा पी गए, टोकरा खाली पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग सब आपको ईद विश करते हैं। चलो बोलो तो आप ईद मुबारक। ये कौन से ढंग की ईद मुबारक है, बस आप लोग मोबाइल पीछे करके हमारा ईद मुबारक सुनिएगा क्योंकि आपके कान फट जाएंगे। ईद मुबारक। तो इसलिए वीडियो करते आई होप इनका बोलना बहुत पसंद का वेट करिए क्योंकि कल हम जाएंगे उम्रे से आए हुए लोगों को रिसीव करने। चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगर नोटिफिकेशन मेरी आप तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी और ये पागल हो चुके हैं, और ये पागल हो चुके हैं और ज्यादा पागल हो, इससे पहले मैं व्लॉग को हैंग कर दूंगी। बाय बाय।